एंड जो जो चेंज होने वाला मैं आपको पहले बता देता हूँ। कोलकाता के इलौता ट्रेनर है जिसमें एसी बजट टेस्ट वन है। तो गाइस ये अपना पूरा लोडिंग से एंड फर्स्टली मुझे दिख गया एक यूटी G900 टॉप स्पीड रेसिंग करने वाले का ही क्या ही गंदा लाउड। ऑटो ब्लीपर गाइस। सो हेलो गाइस, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, कैसे आप लोग? होप यू ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस आज मैं ऑलमोस्ट 20 डेज बाद एक ब्लॉग शूट कर रहा हूँ। मतलब बहुत दिन हो गया कि मैं बाइक के बिना हूँ गाइस। तो ऐसा मुझे इतना आदत नहीं है जब से मैं बाइक खरीदा हूँ इतना दिन बाइक के बिना रहना। तो एट द एंड गाइस मैं आज बोल सकता हूँ कि द वेट इज़ ओवर। एंड सेकेंडली गाइस जो मेरा बाइक डिलीवरी है उसके बाद ये वाला वीडियो आएगा। तो ये तो गाइस मैं पहले से बना रहा हूँ एंड ऑलमोस्ट आज मैं गाइस अपने तरफ से 50,000 का लोडिंग करवाने वाला हूँ। तो करना, तो वो भी आप लोग देखने वाले हो कि क्या करूँगा एंड क्या नहीं। मैं एक एक लोडिंग्स आपको दिखाऊंगा एंड एक एक लोडिंग्स का प्राइस भी आपको बताऊंगा। सो वो भी एक अलग मजा आने वाला है। तो चलते हैं, अभी मैं मोटो ब्लॉग तो नहीं कर पाऊंगा गाइस। अभी मैं अपना 220 से जाऊंगा ऑल लोडिंग्स लेके एंड उसके बाद वहाँ पर जाकर सर्विस सेंटर में आपको दिखाता हूँ क्या सर्विसिंग भी होने वाला है गाइस एंड लोडिंग्स भी इंस्टॉल होने वाला है। तो मुझे बहुत देर तक उधर रहना पड़ेगा। तो चलते हैं गाइस, यहाँ पर ज़्यादा बात नहीं करता हूँ, डायरेक्ट मिलते हैं एक बार सर्विस सेंटर में। हेलो गाइस, अभी आ गया मैं काउंसिलिंग सर्विस सेंटर एंड आप लोगों को इधर थोड़ा दिखाने वाला हूँ अपना बाइक का कंडीशन है। तो गाइस अभी देखिए एकदम स्टॉक कंडीशन में है एंड जो जो चेंज होने वाला है मैं आपको पहले बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये विंडस्क्रीन चेंज होगा। सेकेंडली गाइस यहाँ पर फोक प्रोटेक्टर लगने वाला है। थर्ड देखिए एडिटर गार्ड नहीं है, वो लगेगा एडिटर गार्ड। सेकेंड गाइस ये अभी देखिए कैट कैन से लगा हुआ है एकदम, ये देखिए कैट कैन से ये एग्जॉस्ट लगा है। तो इसको हम फुल सिस्टम करने वाले। सेकंड गाइस यहाँ थर्डली या फोर्थली कितना नंबर लोडिंग से नहीं पता, ये वाला टेल डाइट चेंज होगा। एंड ऊपर से गाइस अभी देखिए अभी तो लाइक गंदा भी है लेकिन डिलीवरी से पहले मैं इसको पॉलिश भी करवाऊँगा। तो थोड़ा मीटर भी दिखा देता हूँ, ये देखिए। सो अभी बहुत सारा टेनार वेनार, मतलब टेनार है, 300 है, इन सब का काम चल रहा है। इसके बाद ही शायद मेरा चढ़ने वाला है। जब भी मेरा गाइस चढ़ेगा फिट पे मैं आपको ऑब्वियसली अपडेट करूँगा, दिखाऊँगा वो भी। एंड जो जो इसमें लगा हुआ है पहले से मैं आपको बता देता हूँ। ये है देखिए ZX टेनार का ब्रांडिंग का है फ्रेम स्लाइडर्स। एंड सेकेंडली गाइस AC बजट तो ये SC S1 है एंड ये शायद कोलकाता का इलौता टेनार है जिसमें AC बजट S1 है। सो चलते गाइस, बहुत गर्मी भी लग रहा है, अभी अंदर बैठते उसके बाद आपको पूरा दिखाता हूँ जब भी लोडिंग स्टार्ट होने वाला है। बहुत गर्मी है गाइस, माय गॉड, यहाँ पर इसमें बैठ रहा हूँ तब शांति मिल रहा है। एंड सुदीप दा लोग इस गर्मी में काम कर रहे तो गाइस हैट्स ऑफ टू देम। मतलब बाइक का कम इतना गर्मी में वो लोग तीन तीन फैन चलाए। लेकिन गाइस थोड़ा भी अंदर जा रहा हूँ, मतलब बाहर जा रहा हूँ यहाँ से ना गाइस पूरा मतलब पसीना पसीना कुछ समझ ही रहे हो। तो चलिए मिलते हैं जब ये बाइक चलेगा काम पे। सो आपने देख लिया अभी बाइक को एंड चलिए एक एक करके मैं आपको लोडिंग्स दिखाता हूँ कि क्या क्या लोडिंग्स है। एंड मुझे भी खुद दिखाने का बहुत मन कर रहा है तो मैं भी ओपन तो नहीं करूँगा, ओपन जब मैं सुदीप दा को दूंगा मतलब इंस्टॉल करने के लिए तब वही ओपन करेंगे। लेकिन मैं आपको एक एक करके दिखा देता हूँ एंड प्राइस भी ऊपर आपको दिखाता हूँ। तो एक एक करके स्टार्ट करके रुकिए। फर्स्ट ये आ रहा है MRA का विंडस्क्रीन, इसको अभी ओपन नहीं किया है, पूरा एकदम पैक्ड ही है। तो इसका प्राइस साइड में आ रहा होगा। ये है एक्चुअली फोर्क प्रोटेक्टर, ये भी स्पॉन्ज से मतलब कवर किया हुआ है लेकिन ये पूरा का पूरा एकदम मतलब जो सामने फ्रंट फोर्क प्रोटेक्टर रहता है ये वो है। इसका भी प्राइस साइड में आ रहा होगा। सब गाइस जब लोडिंग्स होगा आप लोगों को एक बार दिखाऊंगा। सेकंड है गाइस ये जो कि मोटो फ्यूजन का टेल टाइडी। थर्ड है गाइस ये तो अभी तक तो ओपन ही नहीं हुआ, इसमें रेडिएटर गार्ड है। इसका प्राइस दे दूंगा, यही शायद सबसे ज़्यादा महंगा लोडिंग्स में आ रहा है मतलब एज अ प्रोटेक्शन। एंड ये है सेकेंड जो कि ये ट्रैक्शन पैड,
आप देख सकते हो। एंड गाइस लास्ट बट नॉट लीस्ट, अभी जो मेरा बाइक है गाइस वो कैटकैन के साथ किया हुआ है। ये लिंक पाइप का प्राइस गाइस सबसे ज़्यादा है इसमें से। तो अभी जो मेरा बाइक है वो कैटकैन के साथ एग्जॉस्ट लगाया हुआ है, लेकिन अभी मैं इसको फुल सिस्टम करने वाला हूँ। एंड गाइस टाइटेनियम देखिए जस्ट। सो ठीक है गाइस, अभी तक तो गाड़ी चला नहीं है लाइक कुछ काम करने के लिए जो अपना स्टैंड होता है। एंड और एक चीज़ है गाइस वो दिखाना मैं भूल गया, दो दो स्पूल्स है गाइस वो बाद में आपको दिखा दूंगा, लेकिन अभी तक बाइक चला नहीं है। जब चढ़ेगा गाइस मैं आप लोग को ऑब्वियसली थोड़ा सर्विसिंग का यहाँ पर वीडियो अलाउ नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को थोड़ा सर्विसिंग का वीडियो दे दूंगा, आप लोगों को बाइक भी दिखाऊंगा। चलिए सो गाइस देखिए अभी अपना बाइक जा रहा है सर्विसिंग के लिए। मैं पता नहीं वहाँ पर बनाने देगा कि नहीं। ये यहाँ पर हनीकॉम टेनर भी एक है एंड ये अपना टेनर, आप लोग बताइए कौन सा था अच्छा लगा। तो इसको पहले चलने थे गाइस एंड मैं वहाँ से ट्राई करूँगा वीडियो बनाने का जितना हो सके। यही तो रेडियो है तो ये गाइस अभी जो चीज़ है ट्रैक्शन पैड ये यहाँ पर नहीं लगाएगा बोल रहा है, ये मैं अलग से खुद से लगा लूँगा। तो अभी जो जो स्टफ है वो लगा लेंगे, तो चलो वो भी सही है। सो गाइस अभी देखिए वहाँ पर इंजन ऑयल आ चुका है एंड पूरा सब काम चल रहा है, पूरा सर्विसिंग होगा उसके बाद ऑल लोडिंग्स। गाइस आप यहाँ पर देख सकते हो कैटकैन खुल चुका है, इसके बाद लिंक पाइप लगेगा वो वहाँ नीचे पे। सो गाइस ये देखिए यहाँ पर एसी प्रोजेक्ट का फुल सिस्टम मतलब होने वाला है, अभी ये लिंक पाइप लग रहा है। एंड ये गाइस द मोमेंट ऑफ हैप्पीनेस, कैटकैन देखिए यहाँ पर हट चुका है। एरको में थक बना कि देख लीजिए टायर का। अभी जो है सुदीप दा ने बोला है कि ये 4000 तक चल जाएगा, तो टायर चेंज करने का कोई ज़रूरत नहीं है। एंड बाकी का बेसिक लोडिंग जो है वही करवा रहा हूँ। ये स्पूल्स भी गाइस मैंने अभी लगाया मोटर फिशन का, तो ये शायद कुछ लग रहा है लाइक पेस्ट काइंड ऑफ जो इसको स्मूथ कर देगा मे बी, मुझे इतना लगता है। अब यहाँ पर ये लॉक हो जाएगा, बट यहाँ का स्प्रिंग अभी मिसिंग है, तो उसका बाद में कुछ कर लेंगे। कंप्लीट हो चुका है फुल सिस्टम, आप एक बार देख लीजिए। पहले यहाँ पर कैटकैन था एंड अभी लग चुका है लिंक पाइप, तो यही सही है। बाकी का लोडिंग गाइस मैं दूर से दिखाता हूँ। फिल्टर देखिए कितना गंदा है, मतलब कितना गंदगी इधर निकल रहा है एयर फिल्टर से। आप भी अगर ट्रॉसर की चलाते हो गए थ्रॉटल बॉडी एंड एयर फिल्टर आपको मतलब टाइम टाइम पर क्लीन करवाना ही पड़ेगा, गंदा देखिए कितना निकल रहा है। अपना सुदीप दा गाइस रेडिएटर गार्ड अनबॉक्सिंग कर रहे हैं, तो मैं भी फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। देख लीजिए रेडिएटर गार्ड सुदीप दा। तो ये इवोटेक का रेडिएटर गार्ड है गाइस, इसका प्राइस 13000 लाइक 13500 कुछ इसका प्राइस है। मैं छोटा सा चीज़ है गाइस कोई ना। तो ये देखिए यहाँ पर थ्रॉटल बॉडी क्लीन हो रहा है, वुड का प्रोडक्ट है, क्या निकल रहा है आप जस्ट देखिए। बाप रे बाप, फर्स्ट बाप रे गाइस मुझे ऐसा नहीं लगा था। यहाँ पर स्टॉक ये जो अपना विंडशील्ड था वो खुल चुका है जस्ट देखिए। एंड अभी सुदीप दा अभी लाइक अनबॉक्सिंग करने वाले एमआरए का जो स्मोक डेवलपेबल विंडस्क्रीन है जस्ट देखिए, सही पैकेजिंग है गाइस। ट्रैक्शन पैड गाइस यहाँ पर नहीं लगने वाला है, तो सुदीप भाई ने बोला कि बाहर लगाने के लिए। एंड ये जो अपना टेल टाइड है वो भी चेंज होगा मोटर फ्यूजन का लगने वाला है। एंड अभी अपना एमआरए खुल रहा है देखिए, ये रहा अपना एमआरए गाइस। ओए होए होए मतलब ये पूरा बबल हो जाएगा एंड गाइस विजिबिलिटी और भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, भल लगे ना फटाफट। चलिए इंस्टॉलेशन आप लोगों को दिखाता हूँ। अपना इंस्टॉल हो रहा है एमआरए। ओए होए होए गाइस व्यू पूरा देख लीजिए, मतलब ऐसा एकदम ऊपर हो चुका है, ये इधर से भी बहुत अच्छा दिख रहा है। तो मोंडोल्डा अभी इसको खोल रहे हैं नंबर प्लेट को, यानी इंडिकेटर स्टॉक इंडिकेटर ही लगेगा गाइस अपना टेल्टा आईडी पे।
एंड क्या क्लीन लगेगा गाइस वो तो मतलब समझ ही सकते हो। पूरा लोडिंग मतलब लोडेड बन रहा है ये बाइक एकदम। आज मैं इसको नहीं लेके जाऊंगा, कल लेके जाऊंगा। तो सर्विसिंग जब हो जाएगा कल, इसको एकदम कंप्लीट करके फ्यूल इंजेक्टर डलवा के फिर कल ले जाऊंगा गाइस। वैसे अपना स्टॉक इंडिकेटर खुल चुका है, देख लीजिए ये स्टॉक एंड ये रहा इंडिकेटर, इसमें लगाएंगे। अपना टेल्टा आईडी देखिए, इंडिकेटर से स्टार्ट करके ये भी लग चुका है जो अपना मतलब नंबर प्लेट को ये करेगा, लाइट देगा। एंड ऐसे शायद मुझे लगता है ऐसे रहेगा मोस्ट प्रोबेबली। तो एक बार देख लेता होगा इस कैसे लगता है। या ऐसे लगने वाला है ये, सही है गाइस, सही लगेगा। थोड़े को भैया स्टार्ट करने वाले गाइस, क्या ही गंदा लाउड है। अभी के लिए तो गाइस जितना काम हो चुका है इतना ही आज के लिए, क्योंकि 6:30 बज रहा है, बहुत रात हो चुका है। एंड इससे ज़्यादा काम नहीं होगा, अभी शोरूम बंद हो जाएगा। तो थोड़ा बहुत काम है वो कल होगा, एंड उसके बाद मैं बाइक इधर से लेके सीधा अपना फ्लैट में चला जाऊंगा, उसके बाद डिलीवरी होगा। तो ये पूरा ब्लॉग आप डिलीवरी के बाद ही देखोगे गाइस। तो मज़ा बहुत लग रहा है कि अभी तक मतलब ये बाइक मैंने चलाया भी नहीं है, मतलब क्या बोले 2-3 किलोमीटर भी नहीं चलाया अभी तक गाइस। तो इसको चलाऊंगा कल फर्स्ट टाइम, बहुत एक्साइटेड हो ज़्यादा। तो कल मिलते हैं गाइस। गाइस अभी देखिए कावासाकी में हूँ, एंड फर्स्टली मुझे दिख गया एक ब्यूटी Z900 विद ऑस्टिन रेसिंग। एंड चलिए अब अपना ब्यूटी दिखाता हूँ। ये रहा अपना टेना, क्या ही सेक्सी लग रहा है गाइस। पूरा लोडिंग्स हो गया है, तो अभी मैं आपको पूरा पूरा क्या लोडिंग्स है वो बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर देखिए पीछे से स्टार्ट करता हूँ, एक है टेल्टा आईडी। एंड कल सीट था गाइस वो मैंने आप लोगों को बताना भूल गया कि इसका सीट भी नहीं आता है, काउल से आता है। एंड अभी सीट इंस्टॉल्ड है। एंड थर्डली गाइस ये तो कैटकैन था, ये फुल सिस्टम हो गया है। एंड ऊपर से ये सामने से ये रहा कि मेरा विंडस्क्रीन, ये रहा एक फ्रंट फोक प्रोटेक्टर, एंड ये रहा डेडिटर ग्रिल का। अभी इतना ही सर्विस मतलब इतना ही लोडिंग से एंड बाकी सर्विसिंग हुआ है। सो होपफुली सब सही है, चलाते हैं अब अपना गाइस। माय गॉड गाइस चलते चलिए गंदा लाउड है गाइस, पुलिस का चक्कर बहुत गंदा होने वाला है। इसका टेम्परेचर 50 होने देते एक बार। तो गाइस एकदम धीरे धीरे जाने का कोशिश करूंगा। पता है गाइस लोगों जो ब्लॉगिंग करते हैं उन लोग को अच्छा लगता है कि उन लोगों को अगर पुलिस पकड़े उन लोग को अच्छा कंटेंट मिलता है, लेकिन मेरा इतना गंदा एक्सपीरियंस है ना गाइस, मुझे एकदम नहीं पसंद कि पुलिस मुझे पकड़े। ऑब्वियसली बताइए हाउ आर यू फीलिंग, आपका भाई रियो से पूरा इसका क्या नाम दिया जाएगा इसे ऑब्वियसली बताइए। ऑटो ब्लीपर गाइस, साउंड देखिए, तो ये साउंड देखिए गाइस क्या ही लग रहा है ना, मतलब एकदम बहुत लाउड है, सेक्सी लग रहा है अपना बाइक। तो यही था गाइस ब्लॉग यहीं पर ही, मतलब ये इसके बाद संडे राइड आने वाला है। तो होप कि आपको मेरा बाइक अच्छा लगा, मैं डिलीवरी में भी ये तो पहले दिखा चुका हूँगा। तो नेक्स्ट संडे राइड के ब्लॉग में मिलते हैं गाइस, तब तक स्वस्थ रहो मस्त रहो, बाय।